तो गाइस वेलकम टू मारो विच ऑफ इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके पहले कोई डिस्टर्ब करने आ जाए फटाफट गेम स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर मैं सेकंड पोटेंशियल इसका एडम वॉरलॉक का और माइस मोरालेस का बाकी था, पेंडिंग था, तो दोपहर में लाइट जाने की वजह से मैं गेम ही नहीं खेल पाया एंड GBR भी क्लियर नहीं कर पाता हूँ। मोबाइल डाटा पे चलता ही नहीं है मेरा GBR, क्लियर ही नहीं होता। चलो ये सब तो बाकी बाद में होता रहेगा, अभी फटाफट यहाँ से निकलता हूँ, ब्राइटनेस कम करता हूँ। अंधेरे में ये ब्राइटनेस बहुत खतरनाक हो जाता है आँखों के लिए और आँखों के ऊपर बहुत गंदा वाला डैमेज देता है। चश्मे चढ़ जाते हैं भाई, चश्मे। अरे भग रहे थे मेरे भगर जगह टील कर दिया मैंने। अरे हट 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 अरे हट अरे हट 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 यहाँ से हट हट। कहाँ जाना था यार, भूल गया, गलत जगह जगह क्लिक कर रहा हूँ। तो फाइनली किंग द कॉन्करर आ चुका है, अब इसके पिछवाड़े में बम्बू डालूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, बिल्कुल डालना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जब तक डाल नहीं देते तब तक मजा नहीं आता। रिवार्ड में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं, लाइफ सेट गारंटेड फिक्स नहीं, और ये जो कास्टा कोई काम नहीं। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। चैलेंजेस के अंदर लिखा हुआ है इन्फिनिटी अल्ट्रॉन 5 times क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद में यहाँ पर मैं गौर का जो लेजेंड है वो 5 times क्लियर करना पड़ेगा और फोनिक्स जो जेंग्रे का फिनिक्स वाला है वॉल बॉस लेजेंड वो क्लियर करना पड़ेगा। नल मेबिस्टो की वैल्यू गिर गई है, चलो अच्छा है अच्छा है अच्छा है बहुत अच्छा है। जो जो सबसे पहले मारा मारी स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और जेंग्रे के साथ में इसको लेके जाता हूँ मैं वर्ड पे। स्पीड टेक का माइस मोरालेस, उसका सेकंड पोटेंशियल करना है, इसको लेके जाता हूँ। सेकंड पोटेंशियल भी करना है प्लस स्टेज भी क्लियर करना है, टटम बुक भी निकालना है और बाकी का मटेरियल भी निकालना है, एक साथ कई सारे काम। चलो देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, होप करता हूँ कि मिल जाए। ये होप का नाम बड़ा बदनाम है, क्या ही करे, होप तो होप है पर कोई होप नहीं। डार्क लाइन, एकदम डार्क लाइन। गर्म बहुत हो रहा है, थोड़ा कूल डाउन हो जाता हूँ मेरा मोबाइल। तो फाइनली गाइस यहाँ पर मैं, हमारा हो चुका है सेकंड पोटेंशियल स्पाइडरमैन का कंप्लीट, स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस का, बस एडम वॉरलॉक का ही कंट्रोल भाई कंट्रोल मुन्ना लाल कंट्रोल, बस इसी का एक पनौती का रह गया है। अभी कितनी बार और क्लियर करना था मेरे का से, इन्फिनिटी अल्ट्रॉन का 3 बार क्लियर करना था और बाकी स्टेज का और बचा हुआ है। ठीक है, इन्फिनिटी अल्ट्रॉन का 2 बार क्लियर करना है और बाकी वर्ल्ड बॉस लेजेंड का बाकी है। ठीक, देखते हैं, 2 बार और क्लियर करना है तो थॉर को लेके जाता हूँ, फटाफट स्टेज क्लियर करता हूँ, आगे निकलता हूँ। हाँ, किंग द कॉन्करर का वर्ल्ड बॉस लेजेंड प्ले करना पड़ेगा ना, इसको लेजेंडरी बैटल में रखते ना अच्छा खासा, किंग द कॉन्करर को तो बेटर रहता, फालतू में उसका वर्ल्ड बॉस लेजेंड दिया, काम करा धाम का दुश्मन अनाज का। मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड हूँ सर, तुम नहीं पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड है। नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मैं कुछ और बेफालतू का दिया वहां पे। एक तो परेशानी ऊपर से वो सर दर्द, देखते हैं ये क्या उखाड़ पाता है।
आई होप करता हूँ कि कुछ उखाड़ ले कैंग द कॉन्करर, वरना एडम वर्लॉक और जेन ग्रे दोनों मिलकर इसका कुछ ना कुछ अंडे वंडे उखाड़ ना दे नीचे के। समझने वाले को इशारा काफी है। निक पहली फुर्सत में निकल। लोडिंग में बहुत टाइम ले रहा है यार, मेरा कंट्रोल छूट जाएगा गुस्से पे से, गाली पे से, फिर उसके बाद में गाली पे गाली, गाली पे गाली होगी। ग्राफिक क्वालिटी लो पे डालता हूँ, ज़्यादा ही ले रहा है आजकल मेरे मोबाइल में। पता नहीं हाई ग्राफिक पे खेलता हूँ ना तो वाटी लग जाती है। लोडिंग लोडिंग इसकी ऐसी की तैसी। गरम वो तो रहा यार, माइस मोरालेस का यहाँ पर 70% आसपास हो गया होगा और एडम वर्लॉक का साला भसोड़ी वाले का हो ही नहीं रहा है। तो कुया के खेत में जाती रहा तो मैं कर ही नहीं रहा सेकंड पोटेंशियल भाड़ में जहाँ एडम वर्लॉक। लटका पड़ा हुआ है 89 पे, मैं गाली दूंगा सारे वो। और 72 का हो गया 71%, चलो अच्छा है।